नमस्ते, व्हाट डू यू डू व्हेन यू ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द वेंडर? अगर आप किसी वेंडर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप किस चीज़ पे नेगोशिएट करते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ. देर इज अगेन अ क्लाइंट ऑफ आवर्स, अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड आई हैव सीन हिम नेगोशिएट. ब्रिलियंट स्किल सेट्स ऑन नेगोशिएशन. व्हाट आई एम सेइंग इज, मतलब नेगोशिएट तो करते हैं, लेकिन वन थिंग आई हैव नोटिस व्हाइल ही नेगोशिएट्स इज ही नेवर नेगोशिएट्स ऑन द अमाउंट. मतलब ये है कि अगर समबडी सेड ओके आई एम गोइंग टू चार्ज यू 100 rupees फॉर इट, ही नेवर ट्राइज टू गेट डाउन, विच इज अ कॉमन माइंड सेट. भाई 100 रुपये नहीं भाई, 70 में दो, 80 में दो, 50 में दो. ही नेवर डू दैट. वॉट ही डज, इंस्टेड ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन द 100 rupees एंड कटिंग इट डाउन टू 50 rupees, वॉट ही पैक्स इज सेज कि भाई ठीक है 100 rupees, बट ही एड्स ऑन मल्टीपल अदर थिंग्स दैट द वेंडर हैज टू डू फॉर हिम. सो वॉट हैपन्स इज, वेंडर इज गिविंग हिम सर्विसेज वर्थ मे बी 130 rupees और 140 rupees, ओके, एट द प्राइस ऑफ 100. वॉट क्लासिक, यू नो, there is two ways to look at this. You never drop the vendor, because jab vendor aata hai to he has a revenue goal, so his revenue goal ko wo kabhi nahi todta. Mujhe 100 rupaye mujhe kamane hai, bolta ha bhai tu 100 rupaye kamane deta hai, lekin at the same time he's ensured that instead of the 100 he's got packed in of that 30 40 rupees more of services in there. So what it means is, you know, do not necessarily go on 100 and go for 70, you'll have an unhappy vendor. Go for 100 and, you know, pack in services with 130 in it. Do that next time. Thank you.